हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आपको अपने नोट्स में अगर इन्हें ऐड करना है तो वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत मेन है। तो आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, तो आप उसे देख लेंगे। और आगे हम इसके पहले अगर पॉइंट की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो आता है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यूअल नेचर शो करेंगे मैटर का, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन डिराइव करके दिखाते हैं। तो इसी में ही अगर हम एक टॉपिक ले लें वो है डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, एंड इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और डेरिवेशन आप इसे देख लेंगे। सेकंड, अगर हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। आपका हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बेसिस पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं और इसकी जो पूरी थ्योरी है वो लिखने को भी आती है। तो आपका अगर हम अगले पॉइंट की बात करें थर्ड, तो वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ, इन सब के नोट्स जो है मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं, और उन सब की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम इसका फोर्थ टॉपिक की बात करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आता है आपका क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप, इसके जो टाइप हैं ये अपने आप में क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। तो इसी टॉपिक से आपके क्या है 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इस टॉपिक को भी अपने नोट्स में क्या ऐड करना है। अगर आप फिफ्थ टाइम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करो तो वो आता है अगला वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो है, जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वेव फंक्शन दोनों को मर्ज करके लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। एंड ये दोनों क्या है आपके सेम टॉपिक होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से अपने नोट्स में जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आपके सिक्स्थ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा होता है 11th में 12th में भी, एंड आपका जो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं। सो आगे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, एंड वहाँ पे हम जब पेपर में डिस्कशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बने हुए हैं। तो अगर आप अगला टॉपिक देखोगे 7th, तो वो आता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी क्या है आपका, आपको एक्सप्लेन करने को आ जाता है, जो कि आपका फोर्थ या 2 या 4 मार्क्स का होता है। ऐसे ही आपके 3-4 टॉपिक आ जाते हैं जो आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 6-7 टॉपिक हैं जो कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भी आपको करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही करने हैं। और जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो एज अ शॉर्ट नोट्स हैं, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वो नोट्स बनाए गए हैं जिनमें ये सब टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं। सो आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके टॉपिक थे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के, एंड दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए एंड अदर आपके चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।